हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत आसान तरीके से बनता है और उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ते, बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ। आज बना के दिखाती हूँ बहुत सिंपल तरीके, सिंपल मसाले से। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सब्जी लिए है कच्चे केले लिए, काट के रख लिए। उसको काट के रखने के लिए कभी काला नहीं पड़ता है, उसके लिए मैं बताती हूँ। थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा, पानी में डाल के रख दीजिएगा तो वो काला कभी नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने काट के पानी में डाल दिए। दो केला लिया है कच्चे केले और आधा पपीता लिया है मैंने, थोड़ा सा। देखिए पपीता इस तरह से काटे हैं मैंने, और दो छोटे आलू लिए लंबे लंबे। तो मैं आलू और पपीते को थोड़े फ्राई करके रख लेंगे। और अदरक मैंने कद्दूकस कर लिए एक चम्मच, और दो तीन हरी मिर्च काट लिए, और दो टमाटर काट लिए लंबे लंबे। तो चलिए मैं मसाला भी दिखाती हूँ हल्का। और मसाले में मैंने क्या लिया, देखो, कलौंजी, तेज़पत्ता और साबुत लाल मिर्च दो तीन। तो ये तड़के के लिए। उसके बाद मैंने डालूंगी हल्दी और मिर्ची थोड़ा सा, और हल्का सा हम चीनी डालते हैं बंगाली खाने में, थोड़ा चीनी डालते हैं ये, तो आधे चम्मच से भी कम है थोड़ा चीनी। और लास्ट में वो मसाला डालते हैं हम, थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया पाउडर मसाला, तो उसको पीस के डालते हैं। तो आपके पास नहीं हो तो इसको आप सिल बाटे में दोबारा पीस के फिर डाल सकते हैं एंड टाइम में। तो चलिए मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब ये तेल गर्म हो गया है तो मैं डालूँगी आलू। फ्राई कर लीजिएगा हल्का सा, फ्राई करने के बाद तो उसका कच्चापन निकल जाता है। इस तरह से लाल भर गए, हल्के हल्के लाल हो गए, तो ऐसे ही बना लें। इसी तरह मैं थोड़ा सा पपीता को भून लूंगी। देखो इस तरह से लाल हो गए हैं, अब मैं इसको उठा दूंगी। देखिए हमें बाकी जो तेल में उठा लूंगी इतनी सारी ये, तो मैं उठा के मैं दूसरी तेल देखो बनाती हूँ। अब मैं डालूंगी कलौंजी। हमें डाल दिए जीरा और हल्दी। अब मैं डालूंगी टमाटर। हल्दी नमक, सॉरी, चीनी डाल के
बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप घर पे बनाइए खाइए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में जानिए कैसे बनी, ताकि मैं नई वीडियो और लेके आ सकूँ, नई नई वीडियो दिखा सकूँ आपको। जो आप तिल बट्टा में पीस के भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और अब ऐसे भी डाल सकते हैं, पीस के अच्छा होता है और पीस के बनता है। अब मैं केला डालूंगी, जो कच्चे केले काटे थे, मसाला भून चुके हैं, और देखो तेल तेल छोड़ दिए, देखो कितने अच्छी कलर में तेल छोड़ दिए, तो अब केला डालती हूँ। जो हमने भुने थे आलू और पपीता, वो भी डालते साथ में। पतली सी तरी बना के आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी बनता है। इसके साथ राइस डाल के आप चावल डाल के खा सकते हैं, दाल की भी जरूरत नहीं है। चलिए ढक दिया, देखो कितनी अच्छी कलर है, और मैं देखता हूँ ये पक गया कि नहीं। देखो पपीता भी पक गए हैं, आलू भी पक गए हैं, देखिए आलू और केले भी पक गए, कितनी अच्छी तरह से पक गए। हम इसमें पान डालेंगे तरी की, देखिए कितने कम तेल में बना। दो मिनट के लिए ढक देंगे, जैसे बॉयल आएगा मैं उठा लूंगी, ढक्कन खोल दूंगी।